नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे वेट लॉस से लेकर इम्यूनिटी मजबूत करने तक रामबाण से कम नहीं है लहसुन, जाने डाइट में शामिल करने का तरीका। वर्तमान समय में लोग अपनी सेहत को लेकर बेहद सजग हो गए हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने पर लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। वहीं अधिक वजन के कारण भी लोग कई बीमारियों से घिर जाते हैं। ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या भी लोगों को परेशान कर देती है। बता दें कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होती, उनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। साथ ही सर्दियों के मौसम में लोगों की खुराक बढ़ जाती है, साथ ही इस सीजन में तले भुने खाने की खपत भी बढ़ जाती है, इससे मोटापा बढ़ता है। ऐसे में डाइट में लहसुन को शामिल करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये न केवल वजन पर संतुलन बनाए रखता है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। वेट लॉस में असरदार लहसुन। रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन खाने से भी मोटापे को आसानी से कम किया जा सकता है। यह मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, जिससे वजन कम करने में आसानी होती है। आपको बता दें कि कमजोर मेटाबॉलिज्म वाले लोग दूसरों की तुलना में वजन घटाने में ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसके अलावा शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी लहसुन खाना फायदेमंद साबित होता है। मजबूत होगी इम्यूनिटी। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर लहसुन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होता है। शरीर को किसी भी तरह के संक्रमण से बचा कर रखता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जो शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिससे हम अनेक तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे करें इसका सेवन। सुबह उठकर सबसे पहले दो लहसुन की कली लें, उसे छीलकर क्रश कर लें और फिर इसका सेवन करें। क्रश किया हुआ लहसुन खाने से तुरंत बाद एक गिलास पानी, वो भी गुनगुना अवश्य पिएं। इस बात का रखें ध्यान, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार खाली पेट दो से अधिक लहसुन की कली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आपको इसे खाने के बाद वोमिटिंग, कब्ज या चक्कर आने जैसी दिक्कत महसूस होती है तो सुबह इसका सेवन ना करें। साथ ही गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं, डायबिटीज़ के पेशेंट, निम्न रक्तचाप और छोटे बच्चों को इस घरेलू उपाय के इस्तेमाल से बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।